स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश के 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं हैं। देश में कोविड-19 सुधार दर में बढ़ोतरी, 7,000 से अधिक ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार पर बल दिया। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाली ट्रकों और लॉरियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन सुविधा देने को कहा। देशभर में लॉकडाउन के बीच तेजी से गेहूं की कटाई हो रही है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों को आधार अपडेट करने की अनुमति दी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से 300 जिले प्रभावित नहीं हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि 3 जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। All over the country, we know that just over 300 districts are thoroughly unaffected by the disease. About 300 districts again are our non-hotspot districts where we have just very few cases. And roughly 129 districts are the ones where we have significant number of cases, say more than 15 or maybe slightly less than 15, which we call as hotspots. And these are the places where we are focusing our approach on with the cluster कंटेनमेंट एंड डिजीज आउटब्रेक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मरीज सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन से संक्रमण के दोगुना होने की अवधि लगभग 8.5 दिन थी, जबकि पिछले 7 दिन से यह अवधि बढ़कर लगभग 10 दिन हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और RT-PCR टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ICMR ने बहुत अच्छा काम किया है और जांच क्षमता बढ़ाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नगर निगम आयुक्तों, जिलाधिकारियों और दिल्ली के सभी जिलों के पुलिस उपायुक्तों, केंद्र, राज्य तथा जिला सतर्कता अधिकारियों और सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों के साथ भी समीक्षा बैठक की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि सरकार को व्यापक जांच, तेजी से परिणाम हासिल करने, रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और आइसोलेशन के साथ अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों में कड़े नियंत्रण पर बल देना होगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए एकजुट होकर काम करें। श्री बैजल ने कोविड-19 अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या आज 29,974 हो गई। अब तक 937 लोगों को संक्रमण से मृत्यु हुई है। 22,010 रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 7,026 रोगी ठीक हो चुके हैं। एक रोगी देश से बाहर चला गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है। पिछले 28 दिन में 17 जिलों में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चला है कि कोविड-19 से अत्यधिक संक्रमित 20 देशों की कुल जनसंख्या भारत के बराबर है। दुनिया के 20 देश की पॉपुलेशन करीब हमारे देश की जनसंख्या के बराबर होती है, और कल का अगर हम WHO का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम उन 20 देशों में आए हुए कंफर्म केसेस की संख्या लें और अपने देश की कंफर्म केसेस की संख्या लें, तो हम पाते हैं कि इंडिया में उन देशों के मुकाबले 1/84, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित कोई भी चिकित्सा पद्धति स्वीकृत नहीं है।
जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का अध्ययन पूरा नहीं होता और कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब तक प्लाज्मा थेरेपी केवल अनुसंधान या परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग की जानी चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद, हाउएवर सो फार देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज अ ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। USFDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड न कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल न हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पज के लिए ही उपयोग करें। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि अहमदाबाद में केंद्रीय दल ने पता लगाया कि आवश्यकता के अनुसार रोगियों को समर्पित COVID-19 अस्पतालों में भेजने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त सुविधा है। ऐसे अस्पतालों में 19 से 20 रोगी भेजे गए हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय दल को यह भी मालूम हुआ कि पुलिस और डॉक्टरों की टीम की संयुक्त निगरानी में क्वारंटीन क्लस्टर के प्रवेश बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। अहमदाबाद में रोगियों के रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श के बाद केंद्रीय दल ने बताया कि अस्पतालों में संतोषजनक सुविधाएं हैं। अहमदाबाद प्रशासन ने मतदाता सूचियों, प्रोजेक्ट लाइफलाइन और अन्य स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के इस्तेमाल तथा घर घर जाकर सर्वे करने सहित अनेक कदम उठाए हैं ताकि संवेदनशील आबादी की निगरानी और जांच की जा सके। अहमदाबाद में केंद्रीय दल ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार सरदार पटेल अस्पताल में बहुउद्देशीय अनुसंधान यूनिट स्थापित करे जहां COVID-19 की जांच की सुविधा हो। IMCT ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। IMCT ने पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है, पुलिस ने काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज किए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो। केंद्रीय दल ने वस्त्र और हीरा उद्योग सहित विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। वस्त्र और हीरा उद्योग में सबसे अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। इनमें से ज्यादातर मजदूरों को पिछले महीने वेतन मिल गया। केंद्रीय दल को पता चला कि सूरत प्रशासन COVID-19 रोगियों का पता लगाने और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे DD भारती, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें DD60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि COVID-19 की मौजूदा चुनौती के मद्देनजर बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की ज्यादा आवश्यकता है। नोवेल कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने विकास और वृद्धि को वैश्विक कार्यसूची के केंद्र में लाने पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष गंभीर जोखिम उत्पन्न किया है। इसके साथ ही ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर डाल रही है। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति में बाधा के जरिए उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा है। श्री जयशंकर ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधि नगण्य होने से रोजगार और आजीविका का नुकसान हो रहा है। इस संकट से निपटने और लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए खासतौर से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए और ब्रिक्स देशों को ऐसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत ने आरोग्य सेतु ऐप और गरीब कल्याण पैकेज सहित शीघ्रता से उठाए गए कदमों और विभिन्न निर्णायक पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने से पहले ही भारत ने वायरस को फैलने से रोकने के उपाय शुरू कर दिए थे। उन्होंने दक्षिण एशिया में कोविड-19 पर नियंत्रण करने के समन्वित प्रयासों और सार्क देशों द्वारा कोविड-19 आपात निधि के गठन की भी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीका के अनेक देशों सहित लगभग 85 देशों को अनुदान के आधार पर दवाई उपलब्ध करा रहा है। महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों को भारत की सहायता का व्यापक स्वागत किया गया है। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों की ये असाधारण बैठक बुलाने के लिए रूस के विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब के ऋण की मंजूरी दी है। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा जैसी तात्कालिक जरूरतों के मद्देनजर इस ऋण की स्वीकृति दी गई। ये ऋण उस विशाल सहायता पैकेज का अंश है जो एशियाई विकास बैंक सरकार और अन्य विकास साझेदारों के साथ समन्वय से उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि समुद्री क्षेत्र में निकट पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और इंडोनेशिया के बीच निकट सहयोग इस संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत से भेजी गई दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए श्री मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति में बाधा दूर करने या दोनों देशों के बीच अन्य वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाने के पूरे प्रयास करेगा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के यहां मौजूद अपने नागरिकों के मुद्दे पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश इस मामले में हर संभव सहयोग करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने करीब 13 लाख दावों का निपटान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत 7 लाख से अधिक कोविड-19 के दावे शामिल हैं। इसमें 4,684 करोड़ रुपए का वितरण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के कोविड-19 के दावे शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को गैर कोविड उपचार क्षेत्रों में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इनके उपयोग के दिशा निर्देशों में आवश्यक सुझाव शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा देश के 300 जिले कोविड-19 से प्रभावित नहीं। देश में कोविड-19 सुधार दर में बढ़ोतरी, 7,000 से अधिक ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार पर बल दिया। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले ट्रकों और लॉरियों के लिए
अंतर्राज्यीय आवागमन सुविधा देने को कहा। देश भर में लॉकडाउन के बीच तेजी से गेहूं की कटाई हो रही है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों को आधार अपडेट करने की अनुमति दी। ये आकाशवाणी है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई की अपील की है ताकि विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि ट्रक चालक और क्लीनर को सुरक्षित दूरी, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि मंत्रालय परिवहन संबंधी समस्याएं हल करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा। लॉकडाउन के बीच पूरे देश में गेहूं की कटाई का काम तेजी से जारी है। किसान और खेतीहर मजदूर फसल की कटाई और छटाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन कर रहे हैं। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 98% से अधिक गेहूं फसल की कटाई हो गई है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में लगभग 90% फसल कटाई की सूचना है। इस बीच देश में गेहूं खरीद प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल होने की आशा है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 1 से 22 अप्रैल की अवधि के दौरान किसानों को 10 लाख टन से अधिक उर्वरकों की बिक्री की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के कारण उर्वरक का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी रुकावट के की जा रही है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान विक्रेता ने 15 लाख टन से अधिक उर्वरक खरीदे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी ताकि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित न हो। देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर उर्वरकों को चढ़ाने और उतारने का काम तेजी से हो रहा है और इस दौरान कोविड संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों के लिए आधार अपडेट कराना सुगम बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सामान्य सेवा केंद्रों को ये सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। सामान्य सेवा केंद्र इस समय बैंकों के लिए बैंक साथी के रूप में निर्धारित किए गए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि करीब 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों में अब नागरिक आधार से संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे। उन्होंने सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी के साथ आधार से जुड़े कार्य करें और इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें। कोविड 19 को फैलने से रोकने के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान सामान्य सेवा केंद्रों में आधार से जुड़े कार्य शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आधार अपडेट के लिए 20,000 अतिरिक्त केंद्र उपलब्ध होंगे और लोगों को इसके लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों का दल हैदराबाद में कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहा है। इस केंद्रीय दल ने आज नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में गुडी मलकापुर बाजार और नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। इस दल ने आज लगातार चौथे दिन विभिन्न स्थानों का दौरा कर कोविड 19 से निपटने के विभिन्न उपायों की समीक्षा की। केरल में 4 लोगों में कोविड 19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 4 रोगी ठीक हुए हैं।
राज्य में फिलहाल 123 रोगियों का इलाज चल रहा है। 20,773 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 518 अस्पताल में हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कोविड 19 महामारी के मद्देनजर उद्योगों की सुरक्षा के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। उधर गुजरात में कोविड 19 के मद्देनजर दौरे पर गए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने प्रशासन द्वारा सभी गांवों में ग्राम योद्धा समिति गठित किए जाने की सराहना की है। समिति ने देश भर में ये मॉडल अपनाए जाने की सिफारिश की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आईएमसीटी ने आज सांणंद में एपीएमसी का दौरा किया और कोविड 19 के मद्देनजर मार्केटिंग यार्ड में शुरू हुई खरीद प्रक्रिया और इस दौरान सामाजिक दूरी के पालन के बारे में समीक्षा की। अहमदाबाद के जिला विकास अधिकारी अरुण महेश बाबू ने कहा कि टीम ने कोलगेट कारखाना, फार्मा कंपनियां और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी दौरा किया। टीम के सदस्यों ने जिले में कृषि और औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू होने पर और पर्याप्त मात्रा में अनाज के भंडारों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने श्रम की आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की क्योंकि अधिकांश श्रमिक कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास जाना चाहते हैं। जिला प्रशासन द्वारा गठित ग्राम योद्धा समितियों की टीम ने बहुत सराहना की। इस बीच सूरत की मुलाकात पर आई अन्य एक केंद्रीय टीम ने शहरी प्रशासन द्वारा पूर्णबंदी के दौरान लोगों पर निगरानी रखने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संदिग्ध केसों को ढूंढने में प्रशासन द्वारा शुरू किए गए डोर टू डोर अभियान की भी सराहना की। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र कोविड 19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। मुंबई, पुणे, मालेगांव और औरंगाबाद में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुणे में जिला प्रशासन ने शहर के 70,000 परिवारों को अस्थायी रूप से शिविरों में ले जाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में मंत्रालय में 4 कर्मचारियों को कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार ने अगले 2 दिनों के लिए यह इमारत तथा नई प्रशासकीय इमारत 29 और 30 तारीख को बंद रखने का निर्णय लिया है। अगले 2 दिन यह दोनों इमारतों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय में महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि राजस्थान के कोटा में फंसे कुल 2,000 विद्यार्थियों को राज्य में वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने 100 बसों को कोटा भेजने का फैसला लिया है। इन विद्यार्थियों को पहले धुले लाया जाएगा, उसके बाद उन्हें अपने अपने स्थल भेज दिया जाएगा। इस बीच नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में आज तक एक भी कोविड 19 पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए कार्य योजना के बारे में अन्य राज्यों से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इस बीच प्रयागराज जिले से हजारों विद्यार्थियों ने अपने अपने मूल स्थानों पर वापस जाना शुरू कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रयागराज से छात्रों को भेजने का सिलसिला तड़के ही शुरू हो गया था और शाम तक हजारों छात्र अपने अपने मूल निवास पर पहुंच गए, जहां उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी वाले 300 बसों के बेड़े के जरिए इन छात्रों को चरणबद्ध तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को सलाह दी गई है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपने जिले के क्वारंटीन केंद्र में संपर्क करना होगा, ताकि उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के कोटा से लौटे छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करने, कोरोना को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने और अपना भविष्य संवारने के लिए ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकूट चूर्ण के पैकेट नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छी प्रतिरक्षा शक्ति हो, ताकि यह वायरस हमें प्रभावित ना कर सके। हजारों साल पहले से आयुर्वेद में कई नुस्खे बताए गए और उसमें से एक है त्रिकुट चूर्ण, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काढ़ा। उसके मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा आयुष विभाग के सहयोग से काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं। पीपल, अदरक और काली मिर्च से बना यह काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तराखंड के एक शहर दुगड्डा के गौरव गर्ग
कोविड 19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपको इससे बचना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो हेल्थ अथॉरिटीज आपको बोल रही हैं उनके साथ कॉपरेट कीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, हॉस्पिटल के साथ कॉपरेट कीजिए, अपने आइसोलेशन पीरियड में पॉजिटिव रहिए, प्रोडक्टिव चीजें कीजिए, और ऐसा नहीं है कि इसको हराया नहीं जा सकता, अगर हम सब चीजें ठीक से फॉलो करें तो इससे निपटा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों विशेषकर विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लगातार प्रयास कर रहा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के श्रीनगर केंद्र शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण और चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर कश्मीर में शिक्षा विभाग आकाशवाणी श्रीनगर के सहयोग से छात्रों और उनकी पढ़ाई तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत आकाशवाणी श्रीनगर छात्रों के लिए अगले सप्ताह से ऑडियो कक्षाएं प्रसारित करेगा, जिसमें छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा का लाभ मिल सकता है। ये शैक्षिक प्रसारण आकाशवाणी श्रीनगर से दिन के समय प्रसारित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर ने पहले ही दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के कशीर चैनल के माध्यम से 26 मार्च को टेली कक्षाएं शुरू कर दी थी। दूरदर्शन श्रीनगर वर्तमान में दो कक्षाएं दैनिक रूप से प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम को प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इस बीच असम में आज कोविड 19 के दो और मरीज सामने आए, इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड 19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household works, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family and yourself. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के संक्रामक बीमारी विभाग में रेसिडेंट डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों को लापरवाही न बरतने और घरों में ही रहने की सलाह दी है। कोरोना वायरस मे बी इनविजिबल बट द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड आर वेरी मच विजिबल। मोर देन 4 लाख पीपल हैव ऑलरेडी बीन अफेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम डे टू डे। डोंट बी नेग्लिजेंट, प्लीज स्टे एट होम। अभिनेता वरुण ने लोगों से इस मुश्किल घड़ी में घर में रहने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस की जंग है, हम सब मिलके इसको लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। प्लीज आप सिर्फ घर पे ही रहिए, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। इससे आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपने घर वालों को बचा रहे हैं, अपने दोस्तों को बचा रहे हैं, पूरे देश को बचा रहे हैं। प्लीज प्लीज लेट्स जस्ट बी एट होम, लेट्स जस्ट स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड वी विल फाइट दिस। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉ नरेंद्र सैनी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0112331444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड 19 के कारण स्थगित होने वाली परीक्षाओं की नई तिथि और अगले शैक्षिक सत्र के बारे में अगले सप्ताह दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग ने इस संबंध में पहले दो पैनल गठित किए थे, जिन्होंने 24 अप्रैल को रिपोर्ट सौंप दी थी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति आरसी कुहाड़ के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल के पहले पैनल ने नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत सितंबर में किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अपने सभी प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को कोविड 19 के बीच कर्मचारियों को बर्खास्त न किया जाए और न ही उनका वेतन काटा जाए। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल ही में संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, देश के 300 जिले कोविड 19 से प्रभावित नहीं हैं। देश में कोविड 19 सुधार दर में बढ़ोतरी, 7000 से अधिक ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई।
ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड 19 के प्रभाव पर चर्चा की। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार पर बल दिया। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले ट्रकों और लॉरियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन सुविधा देने को कहा। देश भर में लॉकडाउन के बीच तेजी से गेहूं की कटाई हो रही है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों को आधार अपडेट करने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।